سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر मिन शैतानीम बसमिल्लर अरअीमलहिला महम्दिन वाल आल तबीन ताहरीन अमासूमी वलानतल अदा मजमाइन व वाल महमद वजलफ़रज वा हूँ मोहरम नाजरिन सामीन असलम आज की नई वीडियो के साथ हाजिर ख़िदमत है मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहरम नाजरिन सामीन आज अलहमद हमारी इस एक सौ पचहत्तरवीं वीडियो के साथ एक नए सिलसिले का आगाज़ भी होने जा रहा है और जैसे जैसे कोई चीज़ या कोई किताब या कोई ऐसी अकायद के ज़मन में बात हो जिसे जिससे मुझकी ने खुद इस्ता किया हो या कर रहा हो तो मेरी कोशिश होती है हम उस इस इस्ते को उस इलमी बात को उस क़ुरानन बैतुसम के मुताबिक बात को या नज़रिया को आप तक भी पहुँचाएं इसी जुम्मन में एक नहाय मुख्तरा किताबचा आप कह सकते हैं उसको प्रॉपर किताब भी नहीं कह सकते आ, लेकिन इस्ता करने वालों के लिए राय असलाह तलाश करने वालों के लिए या क़ुरान और अहल बैत के मुताबिक सिर्फ़ ज़बानी कलामी दावे नहीं अमली तौर पर भी कदम उठाने वालों के लिए असला नफ्स करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन काविश और तोहफ़ा और बेहतरीन किताबचा साबित हो सकता है तो इस ज़मन में इंशाल्लाह हमने कुछ दुरुस् का तमाम किया है जिसकी पहली कड़ी यानी पहला हिस्सा आज आप देख रहे हैं आ, ये किताब है जी सैयद मोहम्मद महदी शमसुद्दीन की नहायत मुख्तसरा किताब चाहे जैसे मैंने अर्ज़ किया रूहानी बीमारियाँ पहचान और इलाज ये आप देख सकते हैं इसको दारुलसक्न वालों ने शाया किया है ये उनका नंबर भी है अगर आप उनसे रबा करके मंगवाना चाहें तो मंगवा भी सकते हैं जैसे कि मैंने अर्ज़ किया हजम के साइज़ के लिहाज से नहाय मुख किताब चाह है पचास साठ सफ़ात पर मुश्तम होगा लेकिन अगर कोई इससे सलाह लेना चाहे कोई अल बैतलाम की तलीमत के हवाले से इसको जब देखे पढ़ना चाहे इससे कुछ रोशनी लेना चाहे तो यकीन ये उसके लिए जनाब बेहतरीन एक सरमा सरमाया हयात सब हो सकती है तो आज इसी में से जो पहला हमने बाब आ, अपने दर्स का या मौजू सेलेक्ट किया है जी वो है बद अखलाक़ी जो कि हमारे माशरे में बदकस्मती के साथ मैं हूँ आप यानी अक्सरियत हमारी इस जो जरसूमा है बद अखलाक़ी का इससे महफूज नहीं रहती और हमें मतलब कि इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो पाता सम टाइम हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी कौन सी हरकतें या बातें या कौन से अमाल ऐसे हैं कि जो बदखलाक़ी के ज़ुमरे में आ रहे हैं हम अपने कहीं जनाब थोड़ा सा गलत बोलने वाले को उसी की टोन में जवाब दे रहे होते हैं हम आ, मतलब के अपने से थोड़ा सा नीचे तबके पे जाएं यानी अपने मुलाजमी यानि जो हमारे अंडर लोग आते हैं चाहे वो घर में हो बाहर हो काम वाली जगह पे हो माशरे में हो मोहल्ले में हो हमारा थोड़ा वे ऑफ टॉक उनसे कुछ अलग होता है जी और अपने बराबर से अलग होता है और बिल्कुल अपने ऊपर से अलग होता है और दूसरी बात यह है कि अखलाकियात का जो एक पैकेज है जो इस्लाम ने हमें दिया और जिस तरह कुरान मजीद फुरकान मीद ने हमारी राहुमाई फरमाई कि बेशक हमारे लिए सरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कामल तरीन नमूना है और फिर कहीं आपके इखलाक को मोहर लाही सब्त होती नज़र आती है कि जब कहा जाता है कुरान मजीद में कि बेशक आप इखलाक के अला दर्जे पर फ़ाइज़ हैं तो उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाद दो जहाँ के उम्मीती होने की सीत से और उनके पैरोकार होने की सगत से हमें भी अपने इखलाक को कम अज़ कम कोशिश करनी चाहिए कि उनके बताए हुए अखलाकियात के रास्तों के मुताबिक या उसी रोड पे उसी सड़क पे उसी सफ़र पे गामजन करना चाहिए अपने अखलाकियात के अनुमान से हमें और ये सबसे पहले हम हमें अपने मैं अपने आप को दावत असलाह देता हूँ उसके बाद ममन की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हएँ मिलजुल के सिर्फ़ खोखले नारे ज़बानी नारे सिर्फ़ उछल कूद सिर्फ़ खून निकालने इन चीज़ों तक मदूद ना रहिए जो उन्होंने बताया है जो उन्होंने मांगा है यानी कुरान और सीरत इन पे अमल कीजिए ये तकाज़ा हमसे कुरान ने भी किया है यही तकाजा हमसे मोहम्मद मोहम्मद ने भी किया है तो चलते हैं जी बाकायदा आगा करते हैं ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें मुख्तरा कुछ रूहानी बीमारियाँ उनकी पहचान और इलाज की तरफ किया गया है तो इनशाला हम इससे भरपूर इस्तादा करते हुए कोशिश करेंगे कि अपनी अपनी असलाह की कोशिश कर सकें अच्छा जी तहरीर का आगाज़ करते हैं कि किसी रवायात में हुसन ख़ल या खुश अखलाक़ी की तारीफ़ व तमजीद और सोए ख़ल़ या बद अखलाक़ी की मजम्मत की गई है रसूल सल्ला सल वसलम से दरयाफ़त किया गया कि कौन सा अमल दूसरे तमाम अमाल से बेहतर और बाफजीलत तर है यानी फजीलत में सबसे ऊपर है तो आज़रत सलील वसम ने फ़रमाया किसन ख़ल़ रखना आप अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि इखलाक का बुरा होना इंसान के अमाल को इस तरह ख़राब और फासद कर देता है जैसे सिरका का शहद को अखलाक क्या है इंसान रूह और बदन के इम्तज़ाज का नाम है इंसान का मादी बटन बदन मट्टी से नस्बत रखता है और यही वजह है कि अल्लाह रबुल्ज़त ने भी कुरान मजीद फुरानी मेंशाद में फ़रमाया था कि मैं इंसान को मिट्टी से बनाने वाला हूँ जबकि इसकी रूह खुदाबंद मुताल से मनसूब है यानी इसी सूरत में फिर आगे इशारा हुआ कि जब मैं इसे बना चुका और इसमें अपनी रूह पोंख दी यानी जो रूह जनाब आदम वसलाम तो में बशर में फोंकी गई इंसान की ईरी शक्लो सूरत को खुल्क और इसकी बातनी और रूहानी सूरत को खुल्क कहा जाता है यानी ज़हरी शक्लो सूरत को खल्क़ और रूहानी सूरत को खुल्क कहा जाता है बस खुल्क और अख्लाक इस नफसयाती सूरत का नाम है जिससे ख़ुद ब खुद अफ़ाल अमाल सादर होते हैं लिहाजा वो सूरत ऐसी हो जिससे अकल व शराह के लिहाज से अच्छे और पसंदीदा अफ़ाल सदर हों तो इसे हसन अख़लाक कहा जाता है और अगर इसे नापसंदीदा और बुरे अफ़ाल ज़ाहिर हों तो इसे नापसंदीदा और बुरे अखलाक कहा जाएगा आयात वहादीस में पहली सूरत की भरपूर तकीद और इसे अपनाने की हदायत की गई है यानी हुसन खुल्क के जबकि दूसरी सूरत की यानी बदलाक़ी की मजम्मत और इससे हर मुमकिन दूर रहने को कहा गया है बद अखलाक़ी के इलाज का रास्ता पहले तो ये बात जे नशीन कर लेनी चाहिए कि सोए खुल्क यानी बदलाक नाकबिल इलाज यानि ला इलाज मर्ज नहीं है क्योंकि इस्लामी तलिम किसी ऐसे अमल की अनजामदही के लिए नहीं कहती जो गैर मुमकिन हो और इंसान के बस से बाहर हो यानी एक आएद मुबारक में भी ये जिमा इशारा है कि हम इंसान पर वो बोझ नहीं यानी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ज़रफ़ से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते अच्छा जी बक्सर बक बकसरत अहादीस बकसरत अहादीस और रवायात में वाजह तौर पर बदखलाक से मुकाबले और हुसन खुल्क इख्तियार करने की हिदायत की गई है लिहाजा जनाब रसूल सल्ला वसम साफ़ और सीधे अल्फाज में फरमाते हैं कि अपने अखलाक़ को अच्छा बनाओ अलावा अजी ये क्यों कर मुमकिन है कि बाज़ वैशी हवानात के खिलाफ अतवार तो तलीम और तरबियत के जरिए तब्दील किया जा सकें और इन्हें सुधारा जा सके और इन्हें इंसानों से मानूस एक पालतू जानवर बनाया जा सके <laughs> लेकिन इंसान जो अक्ल व शुरू का मालिक है इस पर तलीम और तरबियत कोई असर ना डाले और वो अपने बुरे खलाक को उसने खलाक में ना बदल सके मतलब के मुसनफ़ ने ये लिखा है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप बाज़ार से जनाब बचपन से कोई जानवर लेते हैं और उसको सुधारते हैं उसको चंद आदतों की तरफ़ मश्क करवाते हैं रिआज़त करवाते हैं और वो सुधर जाता है आप देख लें जैसे कुत्ते हैं जैसे कुछ लोगों ने बिलियाँ रखी हैं कई ने तो वैशी जानवर मतलब रीछ सुधारे हुए हैं शेर सुधारे हुए हैं तो मुसनफ़ ने यह लिखा है कि ये कैसे मुमकिन है कि जनाब इनको जो अक़ल से ही शौर से ही खाली हैं इन इन पर तो वो रियाजतें मश्कें कुछ असर डाल दें और ये सुधर दें और ये कुछ चीज़ों को जनाब समझना शुरू कर दें और ये कैसे मुमकिन है कि इंसान जकल व शौर का मालिक है जी जो सोचता है समझता है और सोच समझ सकता है उसको किसी तरह मतव किया जाए या उसने खिलाफ की मश करवाई जाए और वो जनाब उससे कुछ सीख ना सके बद अखलाकी के वाले से इंसानों को चार इकसाम में तकसीम किया जाता है गाफ़िल अफरा पहले नंबर पर जो पाकिज़ा और सालम फितरत के मालिक होते हैं लेकिन हक़ व बातल और अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं कर पाते ऐसे अफराद का इलाज बहुत आसान है अगर वो मम्म इखलाक की रानुमाई के जरिए गफलत से छुटकारा पाकर हक और बातल के दरमियान तमीज़ करने में सही नुक़ः नज़र के जरिए गफलत से ए, सही नुत नज़र हासिल कर ले और इनके अंदर इस बुरी सिफत से मुकाबले और जहाद का मुहरक पैदा हो जाए तो मुख्तरा अरसे में इनशाला मर्ज़ यानि बदखलाक से शिफा याब होंगे अब मोलम अखलाक वैसे आपको अगर दस्तयाब ना भी हो तो अखलाकियात की किताबों की तरफ रजू करना चाहिए अकवाल मासूमी की तरफ रजू करना चाहिए उनकी सीरतों को पढ़ना चाहिए और ऐसे ऐसे अली नमूने गो के हमारे यहाँ इस चीज़ को भी मासूमी के ऊपर जनाब एक माजल्लाज़ाम की सूरत पेश किया जाता है जी वो उन्होंने दिखाने के लिए ये किया दिखाने के लिए उन्होंने ऐसे कपड़े पहने दिखाने के लिए सूखी रोटियाँ खाई पसे पर्दा जनाब क्या चीज़ नहीं थी ये था वो था इन चीज़ों से जान छुड़ाइए जो उनका जाहिर है वही बातन है मासूम वो है ही इसीलिए कि उनके बातन और जाहिर में कोई फ़र्क नहीं है बातन भी मासूम तो जाहिर भी मासूम दूसरी किस्म इन अफराद की है जो मजमूम मजमूम सिफात का बुरा होना जानते हैं और इन्हें अपनी कोताही का भी खूबी बाखूबी इलम होता है लेकिन फिर भी ख्वाहिशातें नफसानी की पैरवी में लजत जोई की खातिर इन अमाल की जानब कदम बढ़ाते हैं और अपनी ही अकल के बरखिलाफ चलते हैं क्योंकि ख्वाहिश नफ्स इनके वजूद पर काबज़ हो चुकी होती है ऐसे अफराद का इलाज कदर सख्त दुशवार है क्योंकि इन्हें अपने इलाज के लिए दो अमूर को अंजाम देना होगा जिनमें से पहला ये है कि जो खराबियाँ इनके नफ्स में बैठ चुकी हैं इनको ख़त्म करें और अपने नफ़्स को आलूगियों से पाक करने की मश्क यानी रियाजत शुरू करें अपने नफ़्स को आमाले साले और अच्छे खिलाक अख्तियार करने के लिए हर वक़्त आमादा करते रहें यानी खुद को ख़ुद ही इंसान के अंदर एक ऐसा वाइज़ बैठा हुआ है जी ऐसा जज बैठा हुआ है और ऐसा एक मोनीटर बैठा हुआ है कि अगर आप उसको इख्तियार दे दें कि जनाब ठीक है मैं जहाँ पर गलत हूँ आप मुझे टोकें मेरी बाज़ो नसीहत करें मेरी मजम्मत करें मुझे खींचें तो यकीन करें कि जितना मावन और मददगार हमारी इस्लाम है वो साबित हो सकता है और उसका नाम है ज़मीर आप कभी इजाज़त दे के देखें यानी उसको ये आदत डाल के देखें कि जहाँ आपको बुराई करें ख़ुदा न खास का बुरा काम करें वहाँ पर आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी आपके कानों तक वो आवाज़ आएगी लेकिन उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह आप एक जनाब भरपूर फंक्शन से लबरेज मोबाइल जदीद तरीन मोबाइल जनाब आप फाइव जी और इससे भी आगे जो टेक्नोलॉजी आनी है वो ले भी आएँ तो जब तक आप उसका नेटवर्क एक्टिवेट नहीं करेंगे उससे आप इस्ता नहीं कर सकते वो आपके लिए एक आम बटनों वाला मोबाइल जैसा ही है कॉल सुने कॉल कर लें मैसेज करें मैसेज पढ़ लें बस अगर आपने उसकी उससे इस्ता करना है तो फिर आपको किसी ना किसी नेटवर्क पर आना पड़ता है और उसको एक्टिवेट करना पड़ता है बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का ये वॉइस ये ज़मीर ये जज ये मोनीटर ये आपको रोशनी दिखाने वाला ये एक्टिव मतलब इससे आप इस्ता करें तो इसको पहले एक्टिवेट करें दूसरा अपने नफ्स को अच्छा जी अमाल ने साल और अच्छे खलाक के लिए तैयार करें बहरहाल अगर ये लोग संजीदगी का सबूत दें और यकसुई के साथ नफ्स के खिलाफ उठ करे हों तो इलाज की तफीक हासिल कर ही लेंगे इन शाला तीसरी किस्म इन अफराद की है जिनकी नज़र में कभी और बुरे खलाक अच्छे और पसंदीदा बन चुके हैं और वो इनकी पाबंदी को वाजिब समझते हैं और बुरे अख्लाक को अपनाना और अपने ऊपर लाजम कर लेते हैं ऐसे अफराद का इलाज और ज़्यादा सख्त और दुशवार है क्योंकि इनमें गुमराही के बहुत से स्पाप पाए जाते हैं और बहुत ही कम ऐसे अफराद हैं कि जो अपने इलाज में कामयाब हो पाते हैं चौथी किस्म इन अफराद की है जो नापसंदीदा और कभी अखलाक के हामल होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शर और फसाद और गुनाह और लहोलाभ वाली महाफिल को अटेंड करना या इस तरह की चीज़ों में मुलवस होना इसको अपनी बढ़ाई समझते हैं और दोस्तों में भी इसका डंका बजाते फिरते हैं यानी खुदा न खास्ता पीने पलाने का कोई शौक है या मुख्तफ मनशनियात का मनशियात का शौक है या मुख्तलिफ़ इस तरह की बीमारियों रूहानी बीमारियों में मुलवस हैं तो अपनी महाफिल में अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठ के या सोशल मीडिया पर इसको जनाब बड़ी फ़खर और बढ़ाई के साथ बयान करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कारनामा उन्होंने सर अंजाम दे दिया है ऐसे अफराद के बारे में खुले लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि वो काबिल इलाज नहीं है और इनका इलाज ऐसा ही मुहाल है जैसे खून खा भेड़िए को सुधारना मुहाल होता है लेकिन बहरहाल नामुमकिन नहीं है इस जमनकुरान बैत से मदद ली जा सकती है पहली बस पहली किस्म जाहलों की है दूसरी किस्म जाहलों और गुमराहों पर मुश्तमिल है तीसरी किस्म जाहिलों, गुमराहों और फासकों की किस्म और चौथी किस्म जाहिल, गुमराह फासिक और शरपसंद अफराद पर मुश्तमिल है भारत तो और सूबे खलक और बदखलाकी के इलाज के मुख्तलिफ रास्ते हैं जिनमें से बाज़ ये हैं आ, यानी नीचे लिखे हैं जिनसे आप इस्ता कर सकते हैं खुश अखलाक और नेक अफरा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नशस्त बर्खास्त कीजिए किसी उस्ताद से अखलाक हमीदा के असूलों की तालीम हासिल कीजिए अखलाक रजीला को दूर करने के लिए नफ्स के खिलाफ जहाद कीजिए नफ्स को ऐसे अमाल पर उभारना जिनकी बुनियाद अच्छे खलाक़ पर हों नफ्स को उभारते रहिए अपने आप को ख़ुद तनबी करती रही करते रहिए बद अखलाक को तर्क करने और अखलाक हंसना के हसूल के लिए दायमी तौर पर कोशां रहिए यानी हमेशा कोशिश करते रहिए इस जमन कुरानी आयात और अहल बैत की रवायात इनसे से करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और सबसे बड़ी बात यह है मेरे मोहतरम नाजरन सामिन इनका चैप्टर तो यहाँ तक था इस किताब का कि जब तक हम किसी बीमारी को बीमारी समझेंगे नहीं मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ और उसकी वजह से काफ़ी मसाइल का भी सामना रहता है मैं आपको अपनी हकीकत एक बात बताता हूँ कि मैंने शुरू में जब मुझे डायबिटीज़ हुई मैंने काफ़ी सालों तक इस बीमारी को बीमारी ही नहीं समझा मैंने इसको ही नहीं लिया मेरी जो मेडिकेशन थी उसको भी मैंने कभी प्रॉपर वो नहीं किया जिसका नतीजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है जी यानी आप अगर चंद साल पहले वाली मेरी तस्वीर को देखें और आज देखें तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा तो कहने का बताने का मकसद ये है कि बीमारी चाहे जिसमानी हो चाहे रूहानी हो जब तक हम उसको बीमारी को ऐसा बीमारी लेंगे नहीं समझेंगे नहीं उसकी इलाज की तरह मतव्य नहीं होंगे उसके नुसान की तरह मतव्य नहीं होंगे और जब मतवे नहीं होंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक लाल आज मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है खसूसा वो रूहानी बीमारियाँ कि जो हमें जिनाब ख्वाब गफलत तक ले जाती हैं उनसे पनाह मांगनी चाहिए और उनकी बुनियादी जो सीढ़ी है वो यही है यानी इखलाकियात को कुरानैत के मैार पर ले आइए बाकी इंशाल्लाह शाला आहस्ता आहिस्ता सारे मामलात हमारे सुधरना शुरू हो जाएंगे अल्लाह करीम से दुआ है कि हम कुरान वैत की तालीमात से वाबस्ता रहें उनको पढ़ें समझें और सबसे बढ़ के उन पर अमल भी करें अल्लाह ताली इमाम जमान जिले अल्ला फर्जो शरीफ के जहूर में तर्जील फ़रमाए अल्लाह ताली हमें सानिया दें सानिया बाढ़ने की तोफ़ी कताब फ़रमाए तमाम मरीजान को अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदके से और बीमार करबला की बीमारी के सदक़े से कुरान मजीद के सदक़े से शिफाए कामलो आजलाताब फ़ फ़ फरमाए और तमाम मरुमा मरहूम की बख्शिश फ़रमाए लावला क़ुत लज़ीम व सल अल्ला महमदिन व अला तयबी ताहरीन